हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो खरना की पूजा चल रही है। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि चूल्हा वगैरह रेडी हो चुका है, मम्मी बना रहे हैं। और अभी मैं आई हूँ नीचे से, रंगोली लाने गई थी। तभी बनाऊंगी चाय, उसके बाद बनाएंगे रंगोली, फिर सब्जी बनेगा। कंचन जा रही नीचे, उपेन ने सब सामान लाया है, फल वगैरह लाने के लिए। रंगोली लेकर आई और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ। आज हमारे यहाँ पे ना खीर बनता है, प्रसाद का गुड़ वाला खीर बनता है, चूल्हे पर ही बनता है। साथ में रोटियाँ बनती है चूल्हे पर की। थोड़ी सी रोटियाँ चूल्हे पे बनेंगी, बाकी तो हम लोग गैस पे ही बनाएंगे क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। तो सब्जी भी बनेगी साथ में, लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद ना मैं केले का पत्ता धोने चली गई थी। मेरा देवर जो है वो बाज़ार से लेकर आया था, केले के 5 पत्ते लेकर आया था, बड़े बड़े। यहाँ पे तो पेड़ नहीं है कि तोड़ के ले आया, हमारे फार्म हाउस पे तो खुद का पेड़ है तो हम तोड़ के ले लेते, लेकिन यहाँ पे तो खरीद के लाना पड़ा। तो उसको मैंने अच्छे से धो लिया साफ़ पानी से, क्योंकि इसी पर आज प्रसाद बटाएगा, मम्मी भी इसी पर प्रसाद खाएंगी। उसके बाद कंचन आ गई थी तो हमने सब्जी बना ली थी, फ्लावर आलू की सब्जी बनाई थी। ऐसे तो सब्जी का आज काम नहीं रहता है, सिर्फ खीर और रोटी का ही रहता है, लेकिन वो सब्जी थोड़ा सा लगता है ना रोटी के साथ, मतलब कैसे खाएंगे सब, बाहर के भी गेस्ट बहुत सारे आने वाले थे। तो बड़ी वाली कढ़ाई में हमने बहुत सारा सब्जी बना लिया था, तो बस वही सब करने लग गए थे। मेरा देवर सब सामान लेकर आया था तो सब अरेंज करने लग गए थे। कंचन ने फटाफट से सब्जी बना ली थी और वहाँ पे मम्मी भी पूजा करने लग गए थे। हमारी खूबसूरत सी दादी जहाँ पे अभी सब लोग प्रणाम करने जाएंगे, फिर दादी उन्हें टीका लगाएगी। जैसे दादा है, पापा भी प्रणाम कर रहे हैं। ज़्यादातर व्लॉग में आपको गुनगुन की वॉइस सुनाई देगी क्योंकि मोबाइल उसी के पास था और मैं तो व्लॉग बना ही नहीं रही थी। यहाँ पे मम्मी मतलब पूजा के बाद सिंदूर लगा रहे हैं। सबसे पहले मुझे ही मम्मी सिंदूर लगाते हैं हर साल, मेरे पति को टिक्का और मुझे सिंदूर। सारे खूबसूरत रोटियाँ बनाई इन खूबसूरत महिला ने, जो काम करते करते थोड़ी बदसूरत हो गई है पर दिल से बहुत खूबसूरत है। और ये खूबसूरत सब्जी भी इन्हीं खूबसूरत महिला ने बनाई है, ये मेहनती महिला है। सब लोगों को टीका लग चुका है और सब चिल कर रहे हैं, दादी और मम्मी और मतलब हमारे बेसिकली हमारे घर की महिलाएं इधर से उधर कर रही है क्योंकि अभी उनको खाना बनाना है और ये सब परोसना है। 2-3 मेहमान आ रहे तो उनको भी खाना खिलाना है। तो बेसिकली अभी मैंने मम्मी का चैनल किडनैप कर लिया है क्योंकि मम्मी से वॉइस ओवर होता नहीं है तो मैं ही कर देती हूँ। ये है प्रसाद, एक मिनट प्रसाद तो दिखाइए। हाँ, ये है प्रसाद, बहुत खूबसूरत और टेस्टी है। और ये है दादी की तैयारी, इधर बैठ के दादी ने सब कुछ बनाया। ये हमारी दादी और यहाँ पे रंगोली बना चुका, घर से घर को अच्छी तरह सजा चुके हैं क्योंकि यहाँ छठ पूजा है। अब केले के पत्ते को तोड़ा जा रहा है ताकि इसमें सबको खाना दिया जाए। और बुआ मम्मी को सुना रही है क्योंकि बुआ ननंद है और मम्मी भाभी है। और ये दो महिला फिर से लड़ने लगी और मुझे भी शामिल करते हुए। अरे नहीं, अब मैं ब्लॉगर बन चुकी हूँ। ये केले के पत्ते पे काट काट के सब बांटा जा रहा है। अभी कुछ मेहमान आएंगे, उन सब लोग बैठ गए पालटी मार के, अभी इनको खाना दिया जाएगा। तो पहले हम सारे जो फैमिली मेंबर्स थे सब ने खाना खा लिया था, पापा को और उपेन को, मेरे हस्बैंड को, सबको परोस दिया था खाना। और उसके बाद हमारे बाहर वाले गेस्ट भी आए थे लेकिन वो शायद शूट नहीं किया है, गुनगुन ने, वो चली गई थी भीतर।
ये है हमारी दादी जिनका पूजा हो गया और एकदम शांति से बैठी है ना दादी। और बाकी सब खा रहे हैं, मेरे पास अभी कुछ दिखाने के लिए नहीं है। लड्डू तुम अकेले खा रहे हो, तुमको खाने आते हैं? क्या बात है, बड़ा हो गया। सारा काम खत्म हुआ, सब प्रसादी लेकर चले गए, काफी सारे गेस्ट थे हमारे। तो अब देखो मम्मी सोए हैं वहाँ पे, रेस्ट कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा साइड में। अभी मम्मी है व्रत पे है, अभी उनका फास्ट चल रहा है। अब मैं दिखाती हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपने चने का पॉलीथीन लेना है, वो ऐसे टेप से बांधा रहता है तो वो खुलता नहीं है, तो बीच में से फाड़ने का फाड़ दीजिएगा और फिर ऐसे डाल दीजिएगा, है ना। इस तरह से चने भिगोए जाते हैं, जितनी की रिक्वायरमेंट हो उतने ही लेने का, ज्यादा नहीं लीजिए, फिर वेस्ट होगा ना। हाँ। तो पानी ले लीजिएगा पहले ही, कढ़ाई में तपेली पतेली जो भी बोलते हो उसमें पानी भर के लीजिएगा। हाँ। फिर चने डाल दीजिएगा। हमने पित्तल के बर्तन में डाला है, आप कौन से भी बर्तन में डाल सकते हैं, अपने फैसिलिटी के अनुसार। और हमने यहाँ पे गुड़ भी भिगोया है मीठा, ये भी सेम प्रोसेस है ना, मीठा सेम प्रोसेस है। लेना है थोड़ा सा पानी मिलाना है, गुड़ में एकदम थोड़ा सा पानी, क्योंकि वो पिघल के और ज्यादा हो जाता है। तो आप मीठा सारा डालो, पानी डालना उसमें, एकदम थोड़ा डाला। देख ये देख लीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन। हाँ ठीक है, बीच बीच में हिला देना। और नीचे जाना है तो मेला लगा हुआ है, एक बार घुमा के। बर्तन हमने साफ करके रखे, मीठा भिगो दिया, चना भिगो दिया, अब हम जा रहे खाना खाने, है ना। सब कोई काम पूरा काम खत्म हो गया, अब हम लोग खाना खाएंगे। ये पानी हटाना है क्या, रहने देना है? चूल्हा वगैरह भी साफ हो गया यार, ऑल क्लियर। किसने किया है बताइए, इसने किया है, इसने इस काम से रखी। तो बस अब मैं आप लोगों को अगले दिन मिल रही हूँ। खरना का दिन समाप्त हो चुका था, पहले अरग का दिन है ये। सुबह सुबह हमारे यहाँ पे ठेकुआ बनते हैं, उसके पहले मैंने डिसाइड किया कि खाना बना लूँगी फिर नहा के ठेकुआ बनाने जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे ना मेरे गमछे में आग पकड़ लिया था गैस का, देखो आप किस तरह से बहुत बुरी तरह से आग, मेरा मतलब उंगली जलने ही वाला था, लेकिन मैं छठी मैया की कृपा से बच गई, सबकी दुआएं थी मेरे साथ, बस ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आज है पहला अरग का दिन, कल खरना हो गया, नहाका हो गया और ये सब धो के रखा है हम लोग ने यहाँ पर, एवरीथिंग सब कुछ आज धोएगा। अभी कुछ फल वगैरह नहीं है तो मेरा देवर और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं फल लाने के लिए। मम्मी अभी प्रसाद का ठेकुआ बना रहे हैं, मैं अभी नहा के बनाऊंगी और ठेकुआ, बहुत सारे ठेकुआ बनते हैं ना, तो मम्मी थोड़ा सा बना के हटेंगे फिर मैं और कंचन बैठ के बनाएंगे। मैंने खाना बना लिया बच्चों के लिए, क्योंकि फास्टिंग तो एक का ही है लेकिन बाकी लोगों के लिए तो खाना बनेगा ही। तो बस मैं आप लोगों को मिलती हूँ, बने रहिएगा व्लॉग में। तो मम्मी ने जो मतलब जो महिला व्रत करती है ना, वो गुड़ वाले ठेकुआ बनाती है प्रसादी के लिए, जो कि द्वारा पे चढ़ते हैं सूप पे वगैरह, और बाकी के जो प्रसादी में बांटने के लिए भी ठेकुआ लगते हैं ना बहुत सारे, वो जैसे हमारे जैसे जो भी घर में होती है ना, मतलब लड़कियाँ चाहे महिलाएँ भाभियाँ वगैरह, तो वो सब मिल के बनाती है। सुबह के बज रहे 10:15, सब नहा खा के रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी दो महिला फिर से मेहनत करने लगी है, वो बना रही है ठेकुआ, है ना, ठेकुआ ही बोलते हैं ना। हाँ, ये दो महिला ठेकुआ बना रही है और बुआ ने यहाँ पे एक जला दिया, नहीं टेस्टी लग रहा है वो, माइंड। आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बनता है, प्रसाद दिया जाता है सबको, तो अलग बन गया सूप में डालने के लिए, ये बन गया और अलग से प्रसाद के लिए, प्रसाद यही होता है प्रसाद आज के लिए, आज के दिन के लिए, अब हमारी प्रिय मम्मा हमको दिखाएगी कि ये ठेकुआ का शेप कैसे बनता है। यहाँ सुनो ने गोला लिया, इधर रखा,
और दोनों को पीस दिया। पीस नहीं दिया, दबा दिया। हाँ, दबा दिया। मम्मी के जैसे होते पीस दिया। और इस तरह बन गया ठेकुआ। और बुआ वहाँ पे तल दे रही है और वहाँ पे रखा हुआ है। खत्म। प्रसाद के लिए गुड़ वाले ठेकुए बनते हैं और बांटने के लिए चीनी वाले ठेकुए बनते हैं। दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पे मैं मम्मी का हेल्प कर रही थी पूरा सब कुछ, क्योंकि अभी हम लोगों को घाट पे जाना था। तो ये वाला व्लॉग मैं शायद अब यहीं पे एंड करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलूंगी। मम्मी के साथ पूरा पूरा हेल्प करना रहता है, तभी मम्मी से सारा काम अकेले तो हो नहीं सकता है ना, इतना सारा काम रहता है। तो बस मैंने सब दौरा वगैरह अरेंज किया, सब पे दिया लगाया, अगरबत्ती लगाया, सब में सब कुछ रखा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक बाय बाय। जय छठी मैया कमेंट में जरूर।